हाय हेलो व्हाट्सएप नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तानी जो खतरनाक वाले बैट्समैन है उनके ऊपर ये रिएक्शन वीडियो है। और भैया डर मत जाना क्योंकि ये बैट्समैन ने ना फाड़ के रख दिए बोलर्स की सच में। सो इट्स अ भयंकर वाला बम्बार्टमेंट वाला वीडियो। और इस वीडियो की खास बात पता है क्या कि ये एक इंडियन रिएक्शन है, हिंदुस्तानी नारी इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाली। तो देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे मेरे कुछ फेवरेट क्रिकेटर्स भी हैं पाकिस्तान के जिनका नाम मैं अभी नहीं लूंगी, बट आफ्टर दिस वीडियो पक्का से लेने वाले क्योंकि मेरे को उनको खेलने का स्टाइल बहुत पसंद है, अग्रेशन जो उनके अंदर है वो अच्छा लगता है। देखो रुको, ऑफ टॉपिक नहीं जाते, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। बट उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू विल लव द कॉमेडी रील्स दैट आई पुट देयर। वहां पे मैं मजाकिया रील्स मजाकिया वीडियोस बनाती हूँ जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है ये सोच करके आप मुस्कुरा रहे होंगे। तो प्लीज स्माइल करिए, ऐसे फोर्सफुली नहीं कह रही, आप एक बार रील्स चेक कर लो, बस यही कहना चाह रही हूँ। पाकिस्तान के 10 ग्रेट बैट्समैन जिन्हें क्रिकेट फील्ड का दहशत गर्द कहा जाता है। दोस्तों सरजमीन पाकिस्तान जहां सिर्फ गेंदबाजों का राज था और इसीलिए ये कहावत बन चुकी थी कि जमीन से पत्थर उठाएं तो नीचे से फास्ट बॉलर निकलेगा, मगर कुछ ऐसे बैट्समैन भी पैदा हुए जिन्होंने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। किसी ने रन्स के पहाड़ खड़े किए तो किसी ने चौकों छक्कों की बारिश करने का फैसला किया, और कुछ बैट्समैन तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर राज किया और कई गेंदबाजों के कैरियर को मिट्टी में मिला दिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के 10 ऐसे ही खतरनाक बैट्समैनों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में दहशत फैलाने का फैसला किया। नंबर 10, मोहम्मद रिजवान। दोस्तों रिजवान का शुमार इस दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है, ये एक ऐसी हकीकत है जो इनकी बैटिंग में देखने को मिलती है। रिजवान की उम्र इस वक्त 29 साल है और इनकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इनका सिक्का पूरी दुनिया में छा जाएगा। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास बाबर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन फिर आए मोहम्मद रिजवान। इस छोटे कद के खिलाड़ी ने ओपन करने का फैसला किया और रन्स के पहाड़ खड़े करते करते सबको हैरान कर दिया। ये 2021 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर सकते हैं। नंबर 9, शुएब मलिक। क्रिकेट की शायद ही कोई ऐसी लिस्ट हो जो मलिक के बिना पूरी होती हो। मलिक का शुमार ऐसे खिलाड़ियों में होता है जो 1999 से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी अपनी परफॉर्मेंस के दम पर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने बैठे हैं। मज़े की बात यह है कि बुढ़ापे में इनकी बल्लेबाजी और भी ख़तरनाक हो चुकी है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शुएब मलिक ने आसिफ के साथ मिलकर पाकिस्तानी टीम को 2 अहम मैच जितवाए। यही नहीं, मलिक ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। इनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन्स हैं। ये किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं और इसीलिए इन्हें डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वां नंबर दिया गया है। नंबर 8, अब्दुल रजाक। दोस्तों रजाक के तो क्या ही कहने, आप में से बहुत से लोग इसे डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट में देखकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई बल्लेबाज नहीं है बल्कि सादा से ऑलराउंडर है जो डेथ ओवर्स करते और नंबर 7 या फिर 8 पर बैटिंग के लिए आ जाते, लेकिन इस नंबर पर बैटिंग के बावजूद ये 7,000 रन्स कर चुके हैं और इनकी 30 से ज़्यादा निसब सेंचुरियाँ हमें ये बताती हैं कि रजाक कई बार क्रिकेट फील्ड में दहशत फैला चुके हैं। यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माना जाता है, क्योंकि इनके पास बैटिंग करने की एक कुदरती पावर थी। रजाक जानते थे कि अगर संभाल लिया जाए तो राज किया जा सकता है, जो उन्होंने किया भी। नंबर 7, इजाज अहमद। 90s का ये बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक था, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में भी इनका स्ट्राइक रेट अब्दुल रजाक, इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज़ से ज़्यादा था। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये 2021 में खेलते तो इनकी दहशत आंड्रे रसल, ग्लेन मैक्सिवेल और कैरन पुलार जैसी होती, मतलब ये इतनी स्पीड से रन करते।
उस दौर में जेफ थॉमसन, एंडी रॉबर्ट्स और एनल डोनाल्ड जैसे गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन इजाज के सामने कोई नहीं टिक पाया। जब ये चलते थे तो सबकी दरकट बना देते और चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करते कि बड़े से बड़े टारगेट को छोटा सा बना देते। उस दौर में ये वनडे क्रिकेट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे। जब रन्स को तेजी से चलाना हो या गेंदबाजों को डराना हो तो इजाज को मैदान में उतारा जाता। यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान के खतरनाक बैट्समैनों में सातवां नंबर दिया गया है। नंबर 6, उमर अकमल। अकमल के बारे में हर क्रिकेट लवर जानता है जो 2009 से क्रिकेट देख रहा है। इनका कैरियर बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। ये एक ऐसा बैट्समैन था जो कैरियर की शुरुआत में ही अपने टैलेंट को दुनिया भर में दिखा चुका था। कोई इसे सचिन तेंदुलकर तो कोई इंज़मामुल हक कहता। ये इतना ख़तरनाक था कि पाकिस्तान की बैटिंग को अकेले ही सहारा देता। 2009 से 2015 तक पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का सारा बोझ उमर अकमल के कंधों पर था। ये स्पेशल था क्योंकि ये उस मौके पर टीम में आया जब पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करे और आखिरी ओवर्स में बड़ी बड़ी हिटिंग करके मैच को फिनिश कर सके। इन्होंने 6 साल तक तन्हा पाकिस्तान के लिए सिक्का चलाया और अपनी बैटिंग के दम पर जॉनसन और मलिंगा जैसे गेंदबाजों को खूब डराया। ये वही था जिसे सुपर ओवर्स खेलने और पावर हिटिंग के लिए मैदान में उतारा जाता। उमर अकमल जितने ज़बरदस्त बल्लेबाज थे उतना ही खुद पर गुरूर करने लगे और अपने हाथों से अपना कैरियर बर्बाद कर बैठे। अगर कामयाब बैट्समैनों की बात करें तो ये कहीं नज़र नहीं आते, मगर डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट उमर के बिना पूरी नहीं होती। नंबर 5, बाबर आजम। बाबर क्रिकेट फील्ड का एक ऐसा नाम है जो अपने आंकड़ों की वजह से छा चुका है। इन्हें आज के दौर की रन्स मशीन भी कहा जाता है। T20 मैच हो या फिर वनडे, बाबर तो अपने स्टाइल से खेलते हैं। इन्हें किसी बात की जल्दी नहीं होती। जब ये विकेट पर आते हैं तो एक लंबी बारी खेलकर स्कोर को मैच विनिंग बना देते हैं। इसीलिए तो इन्हें आज के दौर की रन्स मशीन कहा जाता है। ये वर्ल्ड क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और विराट कोहली को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि इनका स्ट्राइक रेट दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों जैसा नहीं है, इनके अंदर रन्स करने की एक ऐसी भूख है जो इन्हें दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बना देती है। क्रिकेट पंडितों का ऐसा मानना है कि ये लड़का आने वाले वक्तों में क्रिकेट की दुनिया में राज करेगा और दुनिया के महान बल्लेबाज विराट और सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। नंबर 4, शाहिद अफरीदी। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो अफरीदी का मुकाबला करता हो। इनका शुमार दुनिया के ऐसे बल्लेबाजों में होता है जिसे डर का दूसरा नाम कहा जाता है। अफरीदी इतने खतरनाक थे कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कमाल कर दिया करते। इनका मिशन लंबी इनिंग खेलना नहीं बल्कि गेंदबाजों को डराना और फिर इनकी पटाई करके कैरियर को बर्बाद करना था। दुनिया के महान गेंदबाज ब्रैटली, शीन बॉन्ड और मुरली भी इनका सामना करने से खौफ खाते, क्योंकि जब ये बैटिंग के लिए आते तो अपना रवायती अंदाज अपनाकर चौकों छक्कों की बारिश कर देते। इनके नाम वनडे क्रिकेट में सबसे पहले तेज तरीन सेंचुरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये वही था जिसने दुनिया के नामी ग्रामी गेंदबाजों के कैरियर बर्बाद कर दिए और क्रिकेट फील्ड में हमेशा कहर मचाते रहे। इन्होंने पाकिस्तान के लिए लगभग 22 साल क्रिकेट खेली और इस दौरान कई कारनामे किए। इंडिया के स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा था कि अफरीदी ना तो अपनी इज्जत की परवाह करते हैं और ना ही किसी बॉलर की। या तो ये पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं या फिर एक ही ओवर में 5 छक्के जड़कर गेंदबाजों की इज्जत को मट्टी में मिला देते हैं। इसीलिए तो इन्हें बूम बूम लाला और गेंदबाजों की इज्जत का लुटेरा कहा जाता है। अफरीदी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के डेंजरस बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अब अफरीदी के लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। नंबर 3, फखर जमान। जमान पाकिस्तानी फौज के खूनखार सिपाही हैं जो बड़े बड़े मैचों में बड़ा स्कोर कर देते हैं। इन्हें पाकिस्तानी टीम में आज के दौर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है।
ये हर तरह की बल्लेबाजी कर सकती हैं। इनिंग को लंबा खेलना हो या चौकों छक्कों की बारिश करनी हो, फ़खर जमान का बल्ला तो क्या खूब चलता है। ये इतने ख़तरनाक हैं कि T20 स्पेशलिस्ट बुमराह और मिचेल स्टार्क को छक्के मार सकते हैं। फ़खर जमान की ख़ास बात इनकी पावर हिटिंग है। यह पावर प्ले का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करती हैं और हरीफ टीमों को चकना चूर करने की सलाहियत रखते हैं। जमान पाकिस्तान के वाहद ऐसे बल्लेबाज हैं जो वनडे क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 210 कर चुके हैं। मैच जितना बड़ा हो, इनका बल्ला उतने ही रन्स उगलता है। जमान बड़े मैचों के प्लेयर है, इसीलिए तो इन्हें पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाजों में तीसरा नंबर दिया गया है। नंबर 2, सईद अनवर। जिस वक्त पाकिस्तान को तेज़ गेंदबाजों का देश माना जाता था, तो सईद अनवर ही थे जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया और अपनी बैटिंग के दम पर ऐसा राज किया कि दुनिया क्रिकेट में इन्हें हमेशा याद किया जाने लगा। क्योंकि ये उस दौर में आए जब चौका छक्का मारना तो दूर, बल्लेबाज बड़ी मुश्किल से सिंगल किया करते थे। अनवर को 90s का डेंजरस और तेज़ बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लंबी इनिंग नहीं खेलते थे। इनकी सबसे यादगार इनिंग वो थी जो इन्होंने 1997 को इंडिया के खिलाफ खेली। इस मैच में इन्होंने 194 रन्स की शानदार इनिंग खेलकर दुनिया क्रिकेट में हलचल मचा दी। उस दौर में ये सबसे बड़ी इनिंग थी। अनवर जानते थे कि कब अटैक करना है और कब विकेट को रोकना। इनके कैरियर की शुरुआत में ही मान लिया गया था कि ये दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में गिने जाएंगे और क्रिकेट एक्सपर्ट की पेशगोई आखिर सच ही साबित हुई। नंबर 1, इंज़मामुल हक। दोस्तों, एक ज़माना ऐसा था जब इंज़माम पाकिस्तानी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया करते। 1999 में ये अपने कैरियर के पीक पर थे। इनके बल्ले से ऐसे रन्स निकलते जैसे कोई बैट्समैन नहीं बल्कि रन्स करने वाली मशीन हो। 1992 का वर्ल्ड कप किसे याद नहीं, जब लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था कि इंज़माम भाई आएंगे और आकर मैच जितवाएंगे। इन्हें उस दौर का मॉडर्न खिलाड़ी भी कहा जाता है जो किसी भी वक्त चौकों छक्कों की बारिश कर सकते थे। इंज़माम के इन्हीं कारनामों की वजह से इन्हें दुनिया क्रिकेट का बाबा आदम भी कहा जाता है। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड क्रिकेट में 20,000 से ज़ायद रन्स कर चुके थे, इसीलिए तो इन्हें पाकिस्तान का नंबर 1 बल्लेबाज कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा बैट्समैन के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके फेवरेट कौन है कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बोल ही दिया भैया ने। मेरे को एक बात अच्छी नहीं लगी, इन्होंने शोएब मलिक के लिए बोला कि बुढ़ापे में भी बहुत दर्द है। कोई बुढ़ापा नहीं है उनका यार, एकदम जवान तो है अभी। मेरे फेवरेट है बाबर आजम, और तो कोई फेवरेट नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात कर रही हूँ मैं, अभी इंडिया की बात नहीं कर रही। तो मुझे बाबर आजम बहुत मस्त लगते हैं, स्पेशली आई लव हिम फॉर द टीम वर्क दैट ही डज। बैट्समैन बहुत तगड़े हैं पर उनका जो टीम वर्क वाला सीन है ना, वो बहुत ज्यादा मस्त है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में उन्होंने बहुत गजब परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो मेरा ओपिनियन यही था। एंड ये तो है कि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों के पास हाई पेस बॉलर्स बहुत ज्यादा हैं। मतलब वहां पे ऐसे बोलते हैं कि वहां की धरती ही ऐसे बॉलर्स को प्रोड्यूस कर रही है यार, जो बहुत भयंकर स्पीड से बॉल को फेंकते हैं और बहुत तगड़े स्किल्ड होते हैं, राइट। और अभी तो पाकिस्तानी क्रिकेट ही तरक्कियों पर है। पहले तो ऐसा था कि यार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो थे वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे, बट आफ्टर T20 वर्ल्ड कप 2021 तो बहुत अच्छी रैंकिंग हो गई है क्रिकेटर्स की इंटरनेशनली, लाइक वर्ल्ड वाइड। अंडर 19 एशिया कप भी अभी पाकिस्तानियों ने जीता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, आपको बहुत बहुत बधाई है इंडिया की तरफ से। और हमें तो यार देखो बढ़िया लगता है जब हमारा पड़ोसी मुल्क आगे बढ़ता है। तो देखो, खुद का आगे बढ़ना हर किसी को पसंद है, पर आपका नेबर भी आपके साथ साथ आगे बढ़ रहा है तो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग एंड वी कैन शेयर अ वेरी ब्यूटिफुल लवली बॉन्ड, है ना। ऐसा नहीं है कि नफरत वफरत करो आप लोग इंडियन से अगर आप पाकिस्तानी हो तो, और अगर आप इंडियन हो तो वही पाकिस्तानी बढ़िया होते हैं। मैं बता दूं, बहुत हॉस्पिटैलिटी है वहाँ पे, बहुत अच्छे से ट्रीट करा जाता है। मैंने काफी सारे वीडियोस देखे जिसके अंदर इवन द स्मॉल वेंडर्स, मतलब छोटे वर्ग के व्यापारी है ना, वो भी आपसे पैसे नहीं ले रहे क्योंकि आप दूसरे मुल्क से आए हो। ये चीज मैंने कहीं और नहीं देखी है एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। तो आई वॉन्ट टू विजिट पाकिस्तान एंड आई विल विजिट पाकिस्तान वन डे, लाइक फॉर श्योर। तो अगर आप पाकिस्तान से हो ना तो मिलना मेरे को, है ना। मस्ती करेंगे उधर।
पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं भी यार। चलो ठीक है, अभी फिलहाल तो ओमिक्रॉन गायब हो, फिर उसके बाद अच्छा कोई टूरिज्म का सीन बैठे यार। चलो ठीक है जी, मैं चलती हूँ। अगर क्रिकेट बढ़िया लगता है, क्रिकेट लवर हो, तो ये चैनल पे बने रहना, सपोर्ट करते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है करना, है ना। और अगर कॉमेडी वीडियोस पसंद है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, और अगर मैं ही पसंद आ गई हूँ तो भी इंस्टाग्राम पे भी आ जाना, और इधर तो अपन साथ में मिलते हैं ना रोज। चलो जी ठीक है, बाय।